गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं उधर महेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखने वाले वीकली करंट अफेयर जो कि रहेंगे 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और सारे एग्जाम्स के लिए जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर और आपको हर दिन या फिर कहूँ 2 से 4 दिन के बाद भी आपको वीडियो मिल सकती है अगर करंट अफेयर अच्छा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो, और फिर वीकली आप करंट अफेयर भी आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप अनअकैडमी पढ़ते हैं, अनअकैडमी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर आपको करंट अफेयर, जीके, जीएस और फ्रेंड्स जो टेक्निकल वीडियोज हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप देखिए आरआरबी एएलपी का, वैसे तो एग्ज़ाम आज 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को था, लेकिन आप आरआरबी जेई की तैयारी करें तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप हरियाणा जेई की तैयारी करें तो उसके लिए भी टेक्निकल वीडियोज आपको अनअकैडमी मिल जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप किसी वीडियो की अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो वो पीडीएफ जो डाउनलोड कर पाएंगे आप टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप की भी आपको जो लिंक रहेगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर। तो पहला देखिए, सबसे बड़ा टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और ये 101% किसी ना किसी एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% या 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन सा है जिसने श्रवणों को 10% आरक्षण देने जाने की संबंध में विधेयक लागू किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी असम। तो फ्रेंड देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको करंट अफेयर पता है तो आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो हम डिटेल में इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े श्रवण यानी कि सामान्य श्रेणी में जो आते हैं श्रवण को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद गुजरात द्वारा सबसे पहले इसे लागू किया जाने की घोषणा की है। किसने किया है? गुजरात ने इसको सबसे पहले मान्यता दी है, हस्ताक्षर किए इस पर, और किसने इस पर हस्ताक्षर किए ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो रामनाथ कोविंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मेसोडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदल कर क्या रखा गया है? मेसोडोनिया का नाम जो है वो हाल ही में चेंज हुआ है, उसका नाम क्या रखा गया बताना है आपको। ऑप्शन ए ग्रेट वेस्ट नेशनल, ऑप्शन बी यूटोपिया, ऑप्शन सी एल्डोराडो या ऑप्शन डी उत्तरी मेसोडोनिया। तो फ्रेंड बताइएगा क्या आंसर है इसका, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी मेसोडोनिया। मेसोडोनिया ने अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मेसोडोनिया गणराज्य रख लिया है। मेसोडोनिया ने इस निर्णय से ग्रीस के साथ उसकी पिछले कई वर्षों से चल रहा विवाद समाप्त हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, करंट अफेयर थर्ड देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के दौरान मौसम की जानकारी के लिए किस नाम से विशेष मोबाइल ऐप सेवा जारी की गई? तो फ्रेंड बताओ होगा सभी को, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है जिसको छः साल में होता है, जो कि अर्ध कुंभ के नाम से भी आप जानते हैं उसको, ऐसा भी क्वेश्चन आता है अर्ध कुंभ कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स ये भी पूछ सकते हैं, या फिर कुंभ कहाँ कहाँ हो सकता है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पहला ऑप्शन है कुंभ मेला मौसम सेवा ऐप का नाम बताना है आपको, जिसमें ऑप्शन बी प्रयागराज मौसम सेवा, ऑप्शन सी कुंभ मौसम पूर्वानुमान सेवा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो फ्रेंड बताइएगा क्या आंसर है, आंसर रहेगा ऑप्शन ए कुंभ मेला मौसम सेवा। कुंभ मेला के दौरान मौसम की जानकारी के लिए आज एक विशेष ऐप कुंभ मेला मौसम सेवा, क्या है, कुंभ मेला मौसम सेवा के नाम से जारी किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कौन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है हर्षवर्धन ने यह ऐप जारी की या कह सकते हैं लॉन्च की। क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, करंट अफेयर नंबर फोर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है, अपॉइंट किया गया। ऑप्शन ए सचिन पायलट, ऑप्शन बी अरविंद कौर, ऑप्शन सी डॉक्टर सी पी जोशी, ऑप्शन डी डॉक्टर आर के मदान। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर सी पी जोशी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं
नाथ द्वारा के विधायक डीसीपी जोशी राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। अब देखेंगे फिफ्थ नंबर का करंट अफेयर, जीएसटी कंपोजिशन योजना के तहत कारोबारियों को अप्रैल 2019 से कितनी राशि की छूट देने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बैंक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, बैंक्स पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 1.5 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 2.5 करोड़ या ऑप्शन डी 3 करोड़। तो फ्रेंड्स होगा इसका आंसर 1.5 करोड़ यानी ऑप्शन ए। जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि कंपोजिशन योजना के तहत 1 अप्रैल 2019 से 1 करोड़ रुपए की यह सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी जाएगी। पहले कितनी थी? 1 करोड़ थी, अब कितनी हो गई? 1.5 करोड़ हो गई है। किस कब से हो जाएगी? 1 अप्रैल से। ओके, करंट अफेयर नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा हाल ही में श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होने का दावा किया जाने पर उसने अपनी अपने उसने उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने उस उनसे तीन मानद सम्मान छीन लिए तीन मानद सम्मान छीन लिए। तो फ्रेंड्स कौन है इनका नाम बताना? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुम, ऑप्शन बी वेन एडवर्ड, ऑप्शन सी जेम्स वॉटसन या ऑप्शन डी सैम वटलर। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा रोहिंगा मुसलमानों के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ था, और किसका इसको ऑप्शन बताना है? रोहिंगा मुसलमानों के खिलाफ एक जो साथ नहीं दे पाए थे उन्होंने, उनका भी एक जो सम्मान था वो भी वापस ले लिया गया था। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है इस आंसर, तो बताइएगा क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स वॉटसन। डीएनए संरचना की खोज के मदद के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए वैज्ञानिक जेम वॉटसन ने दावा किया है कि श्वेत और अश्वेत लोगों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, जिसके बाद उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने क्या है उनकी पुरानी प्रयोगशाला ने तीन मादक जो सम्मान उनसे छीन लिए है। करंट अफेयर नंबर 7 देखेंगे, चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि लोहिया क्या है लोहिया को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है। लोहिया को अब कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। शिवपाल यादव की जो है ये पार्टी है, ऑप्शन ए है क्रिकेट बैट, ऑप्शन बी बाल्टी, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी चाबी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और इम्पोर्टेंट है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी चाबी। चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि लोहिया को चुनाव चिन्ह में चाबी आवंटित किया है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे शिवपाल की नई पार्टी का पंजीकरण अक्टूबर 2018 को हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2018 को। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चाबी है। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर या करंट अफेयर नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ताइवान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ताइवान के नए प्रधानमंत्री आपको बताना है कौन है। ऑप्शन ए सू तेंग्स चांग, ऑप्शन बी आई यिंग वांग या ऑप्शन सी हो रे मिन या ऑप्शन डी वेंग उन मिन। तो फ्रेंड बताइएगा क्या नाम है इनका? तो नाम होगा ऑप्शन ए सू तेंशिंग चांग, सू तेंशिंग चांग। ओके, ऑप्शन आप इसका विवरण पढ़ेंगे, इसका डिटेल पढ़ेंगे। सू तेंग्स चांग ने ताइवान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ताइवान नेता त्यासांग इंग वेन ने हाल ही में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिट पार्टी जो है प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि डीपीपी की पूर्व प्रमुख सू तेंग शांग को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ओके, अब देखेंगे करंट अफेयर नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में बलंगीर बिचुपाली क्या है बलंगीर बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी? तो फ्रेंड बताना है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा या ऑप्शन डी गोवा। तो फ्रेंड बताइएगा क्या आंसर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में बलंगीर का दौरा किया जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ तथा शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बलंगीर बिचुपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला भी रखी। अब देखिए करंट अफेयर नंबर 10,
निम्नलिखित में से किस फिल्म ने लॉस एंजलिस के सांता मोनिका स्थित वकर हैंगर में हुए 24वें क्रिटिक चॉइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए? ऑप्शन ए रोड, ऑप्शन बी रोमा, ऑप्शन सी उरी या ऑप्शन डी जीरो। तो फ्रेंड बताइएगा, इस फिल्म का नाम बताना है आपको। तो आप फिल्म का नाम है रोमा। रोमा नामक फिल्म ने लॉस एंजलिस में संता मोनिका स्थित वर्कर हैंगर्स में हुए 24वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में चार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किए। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ छायांकन के रूप में मिले पुरस्कार जो है उन्हें इसमें मिले। आप देखें करंट अफेयर नंबर 11। तो देखिए, मुंबई के खार जिम खाना क्या है? खार जिम खाना क्लब ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मानक सदस्यता कितने साल के लिए निलंबित कर दी है? तो ये क्वेश्चन करंट में है और ये ट्रेंडिंग है। तो फ्रेंड्स आंसर बताइएगा, ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन डी 8 साल या 3 साल। तो आंसर होगा 3 साल। महिलाओं पर किए गए टिप्पणी को लेकर मुंबई के खार जिम खाना क्लब ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की सदस्य 3 साल के लिए निलंबित कर दी है। अब देखेंगे आज का लास्ट करंट अफेयर और इस वीक का लास्ट करंट अफेयर जो टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। देखिए, किस राज्य के डी गुकेश 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर क्या है? ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो फ्रेंड बताना है आपको, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। आंसर रहेगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के डी गोकेश 15 जनवरी 2019 को विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। 12 साल 7 महीने और 17 दिन के गुकेश ने यह उपलब्धि 17वीं दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम्स पाकर हासिल की। वहीं सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड सरगेई कार्जिकिन जो है उनका, देखिए जिनका नाम क्या है, जिनके उम्र थी 12 वर्ष 7 महीने, ओके के नाम था, ओके नाम है सॉरी उनके नाम है, ओके। तो देखिए, अब ये आई थिंक ये करंट अफेयर आपको अच्छे लगेंगे, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे लगे करंट अफेयर। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल का आइकन है उसे दबा दीजिएगा, जिससे जितनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए और वीडियो को देख पाए। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।